जी हाँ फ्रेंड, वीडियो बात करेंगे आपसे सेंसर कैसे आपको चेंज लेना है, कंप्रेसर का क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो चले गए तो लाइक और शेयर करें, और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, कंप्रेसर जो है 5 मिनट चलता है, 2 या 3 4 5 मिनट चलता है, उसके बाद ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर 2-3 मिनट के बाद चलता है, फिर बंद हो जाता है, 2-3 मिनट के बाद फिर चलता है, फिर बंद हो जाता है, तो कूलिंग नहीं लग रही है। कस्टमर से कंप्लेंट बुक करिए। तो यहाँ पर हम कंप्रेसर का सेंसर लेके आए हैं, वो चेंज किया है और आपको सब कुछ चेंज करके दिखाने वाले हैं कैसे आपको कर लेना है। कंप्रेसर का सेंसर से ही प्रॉब्लम होती है, कंप्रेसर हमारा ट्रिप हो जाता है, कंप्रेसर जो हमारा बंद हो जाता है। इन्वर्टर एसी है, इन्वर्टर एसी में फॉल्ट है ये वाला, नॉन इन्वर्टर में ये वाला फॉल्ट नहीं है। तो आपको बस दिखाता हूँ सब कुछ कैसे आपको कर लेना चेंज। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब हमारा चैनल जरूर कर लेना, फिर आपको दिखाते हैं सब कुछ। तो यहाँ पर हम आ गए अपने आउटडोर पर, और यहाँ पर जो कंट्रोल हमने ओपन कर रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंट्रोल को हमने जो कनेक्शन है वो खोल रखे हैं। तो यहाँ से कनेक्शन ओपन करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर सेंसर जो मैं लाया हूँ नया, वो यहाँ पर सेंसर आपको चेंज करके दिखाऊंगा। इसमें जो लाइट ब्लिंक कर रही है वो 6 बार लाइट ब्लिंक कर रही है कंट्रोल के अंदर। और यहाँ पर जो फॉल्ट है वो कंप्रेसर का फॉल्ट है, कंप्रेसर का सेंसर हम यहाँ पर लाए हैं, कंप्रेसर का सेंसर चेंज हो जाएगा फिर ये काम करने लगेगा। तो ये कंप्रेसर का सेंसर का जैक हमने निकाल लिया, और यहाँ से जो उसमें अभी इसमें कुछ भी कंट्रोल वगैरह चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल नया है, जीव बिल्कुल न्यू का न्यू है, कंप्रेसर वगैरह चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसकी वजह से हमें वायर यहाँ से काटना होता है, तो यहाँ से हमने वो काट दिया है क्लिप। तो यहाँ पर जो है हम सेंसर बाहर निकाल लेते हैं और आपको सेंसर बाहर निकाल के दिखा देते हैं। सेंसर आपको बाहर निकाल के यहाँ पर कंप्रेसर पे फिट रहता है, ये कंप्रेसर के ऊपर टर्मिनल रहता है वहाँ पर ये फिट रहेगा। तो यहाँ पर जो इसका कैप है, कैप के अंदर ये यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन दिया होता है इसको वहाँ फिट करने का, तो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर ओपन करके आपको दिखा देते हैं, यहाँ से मैं डिब्री वगैरह सब खोल लेता हूँ और यहाँ से इसको बाहर निकाल लेता हूँ। मैं आपको यहाँ पर बाहर निकाल कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो कंप्रेसर का सेंसर है यहाँ पर लगा होता है, जैक इस कंट्रोल के अंदर लगा होता है, और सेंसर कंप्रेसर के ऊपर जो टर्मिनल रहता है उसके ऊपर यहाँ पर जो बॉक्स दिया हुआ है, कवर इसको कह सकते हो, यहाँ पर सेंसर है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सेंसर जो है हमारा ख़राब है, और नया सेंसर हम लेके आए हैं। तो वो नया सेंसर यहाँ पर आपको लगा कर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये बचा रहेगा, ज़्यादा हीटिंग रहेगा तो थोड़ा सा कवर रहेगा तो जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको मैं कॉइल को फिट कर लेता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पर इसकी जो फिटिंग वापस जैसे हमने निकाला था वैसे ही इसको फिट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं फिट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो थी आपकी, 6 बार लाइट ब्लिंक कर रहती है रेड वाली, जो कंट्रोल के अंदर रेड वाली लाइट रहती है, एक ही लाइट रहती है, और यहाँ पर जो 6 बार लाइट ब्लिंक कर रही थी वो सेंसर की ही रहती है, सेंसर या फिर गैस, ठीक है, आपको यहाँ पर देख लेना होगा। सेंसर ज़्यादातर सेंसर ही होता है, तो यहाँ पर हमने बहुत कम यहाँ पर देखा है। अगर गैस, अगर आपकी कूलिंग कम हो रही है और 6 बार लाइट ब्लिंक कर रही है तो गैस है, और कूलिंग वूलिंग सब कुछ ठीक है, और आपका जो है कूलिंग सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी ये लाइट ब्लिंक कर रही है 6 बार, तो आप सेंसर चेंज करेंगे। कंप्रेसर का सेंसर चेंज करने पर एसी हमारा बिल्कुल रनिंग कंडीशन में हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हमारा कंप्रेसर चलेगा। जो प्रॉब्लम है आपकी बार बार ब्लिंक, जो बार बार लाइट कंप्रेसर बंद होता है 2-3 मिनट के बाद, वो कंप्रेसर हमारा यहाँ पर बंद नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया मैंने, इस तरह सॉल्व किया है कि यहाँ पर जो सेंसर है वो आपको चेंज कर लेना होगा, और चेंज करके फिटिंग कर देना होगा इसके अच्छे तरीके से। तो आपको दिखाता हम सब कुछ ऑन वन करके सब कुछ आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर एसी हमारा जो फिटिंग हो चुका है, और एसी हमारा जो रनिंग में हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया चलेगा। कोई दिक्कत आए तो कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हो कि प्रॉब्लम आ रही है।